दिस इज रितिक मुंजाल. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रैक नीट. अगर आप डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं तो आपको नीट की तैयारी 11th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए. 11th का सिलेबस बेसिक होता है जिसको समझना जरूरी है. अगर आपने एक बार बेसिक तरीका समझ लिया तो आपके लिए नीट की तैयारी इजी हो जाएगी. आपको 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस 11th 12th के सिलेबस पर बेस्ड होता है. आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले सही स्टडी मटेरियल चूज करना चाहिए. नीट एग्जाम का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की बुक्स पर बेस्ड होता है, इसलिए एनसीईआरटी की 11th 12th की बुक्स का कलेक्शन आपके पास होना जरूरी है. आप सबसे पहले अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं. अगर आपको डे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप डे के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाएं, और अगर आपको नाइट में पढ़ना कंफर्ट है तो आप नाइट के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाएं. अपने शेड्यूल में किसी भी सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे से ज़्यादा टाइम टेबल ना रखें क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ें. और किस दिन क्या पढ़ना है ये पहले ही डिसाइड करें. जैसा कि 2019 नीट एग्जाम भी जस्ट लाइक 2018 होंगे, आपको पिछले लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके साथ ही आपको करंट ईयर के मॉडल पेपर भी सॉल्व करने चाहिए. स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर तो आपको नीट क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है और उस पर स्कोर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया में सीट्स बहुत कम है. इवन आपको MBBS अब्रॉड करने के लिए भी नीट क्वालिफाइड करना जरूरी होगा. So best of luck student for your exam from University Consultancy. Stay tuned for more updates.